तो क्या हालचाल है दोस्तों आपके, आई होप आप सभी मजे में होंगे गाइस। तो सैमसंग गैलेक्सी A33 टेना पर इस इमेज को पकड़ा गया, BIS पे इस इमेज को पकड़ा गया और अभी ट्विटर पे अभिषेक यादव है, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे इस वाले इमेज को शेयर करा है। तो इन सभी के बेसिस पे दोस्तों हमें कुछ बातें करनी है आप लोगों से। और एक बात अंदर की आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो प्राइसिंग होने वाली है ना वो A52S से कम होने वाली है। अब कैसे होने वाली है इसके लिए वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू गुरुजी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन से गाइस। तो यहाँ पर ना कुछ लीक से हमें इस वाले इमेज की प्राप्ति हुई, बड़े हिंदी बोल रहे भाई, मतलब कुछ इमेजेस सामने आए जिससे हमें यह पता चला है कि पीछे की तरफ प्लास्टिक बैक होगी और वही मैट वाला प्लास्टिक होगा जो कि हमें A52 या फिर A52S में देखने को मिला है। और यहाँ पे आप लोगों को लाइक फ्रंट में क्या ही होगा, फ्रंट का तो पता चला लेकिन गोरिल्ला ग्लास 5 होगा ऑब्वियसली बात है, जी हाँ। और यहाँ पे लुक्स भी सेम होने वाला है जैसे कि हमें A52 या फिर A52S देखने को मिला था। वैसे मेरा लुक कैसा लग रहा है? अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। डिस्प्ले की बात की जाएगा तो यहाँ पे 6.43 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा जो कि ऑब्वियस सी बात है। और यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को FHD प्लस की रेजोल्यूशन रही है। और यहाँ पे आपको 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पे मैं कहूँगा अच्छा ब्राइटनेस है, आप धूप में भी निकल जाओगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन एक चीज दोस्तों यहाँ पे लीक्स आ रही है कि इसका जो टच सैम्पलिंग रेट है ना वो यहाँ पे बढ़ने वाला है, मतलब पहले हमें नॉर्मली देखने को मिलता था, अब इस बार कितना बढ़ेगा, लाइक 600 हर्ट्ज की हो जाएगी टच सैम्पलिंग रेट, वो ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो जो भी चीज है लेकिन ये चीज गेमर्स को शायद से यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए चीज किया जा रहा होगा, बैक एंड में मुझे नहीं पता है जो लीक्स मैं बता रहा हूँ। लेकिन मेरे हिसाब से यार सैमसंग के ए सीरीज ना लाइक थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे टारगेट करती है, यहाँ पे गेमर्स को उतना ज़्यादा टारगेट नहीं करती, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या सारी चीज़ आने वाली, आने के बाद ही पता चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है आप, ये वाली चीज़ हमने बहुत दिन बाद करी है, मज़ा ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस कैमरास की बात करते हो ना तो यहाँ पे हमें इस वाले बैक से पता चल रहा है जो लीक्स में हमें मिला था, जो प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना, वहाँ पे हमें पता चला कि 3 कैमरास पीछे की तरफ देखने को हमें मिलेगा जो कि हमें लाइक इससे पिछले वाले ब्रांड में 4 कैमरास देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे एक कैमरा उड़ के कहीं और चला गया, आगे वीडियो देखते रहो बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना मेरे हिसाब से लाइक 3 कैमरा भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो कैमरा कम्बिनेशन होगा ना वो होगा यहाँ पे 64+32+2 मेगापिक्सल, ठीक है। तो यहाँ पे एक और फालतू ही मान लो, लेकिन यहाँ पे 2 कैमरे तगड़े होने वाले हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे पहला ये फ़ोन होगा जो कि इस तरह कैमरा सेटअप के साथ में आएगा, लाइक है ना 32 वगैरह, समझ रहे हो ना। सेल्फी की बात की जाए गाइस तो जैसे कि मैंने बोला था ना पीछे का एक कैमरा उठा के कहीं और डाल दिया है, तो यहाँ पे सेल्फी में डाला गया है। यहाँ पे आप लोगों को 12+5 मेगापिक्सल का 2 सेल्फी कैमरा शायद से देखने को मिल सकते हैं। मैं शायद से क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक जो लीक इमेज आई थी जो कि यहाँ पे टेना पे लिस्ट हुआ था तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सिंगल पंच हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लीक्स वगैरह आ रहे हैं वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 12+5 के यहाँ पे आ रहे हैं, तो बाकी सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। अगर डबल कैमरा होता है तो मेरे हिसाब से साइड में होगा, है ना, बीच में थोड़ा सा बदलासा लगेगा। प्रोसेसर की बात की जाए गाइस तो इस बार ना एक्जिनोस का आपको 1200 प्रोसेसर मिलेगा। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया था कि इस बार प्राइसिंग जो है पिछले वेरिएंट से कम होने वाली है, तो यहाँ पर ना इसी के वजह से इसको प्राइस को कंट्रोल किया जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता है एक्जिनोस जो है भाई साहब घर की खेती है और घर की खेती में कौन बोलेगा अपनी प्राइस को कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी वजह से प्राइस को काफी ज्यादा यहाँ पे नीचे लेके आ सकते हैं वो लोग, ऐसा लीक्स है कि प्राइस कम होने वाली है। अगर आप लोग इसको स्नैपड्रैगन से कंपेयर करते हो तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 750G से ऊपर और 778G से नीचे मान सकते हो, ठीक है ना, यानी बीच का लाइक रख सकते हो आप लोग। तो कुछ इस टाइप का आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा जो कि 6nm टेक्नोलॉजी में बना हुआ है, ऑक्टा कोर है और 5G के साथ में ऑब्वियसली आएंगे। और यहाँ पे एक्जिनोस का प्रोसेसर है तो यहाँ पे अच्छे खासे बैंड्स भी ये लोग प्रोवाइड करेंगे हमें। बैटरी की बात की जाएगा तो यहाँ पे 5000mAh की बैटरी मिलेगी और वही सो कॉल्ड 15W का चार्जर भाई साहब पीछे नीचे हो रहा है, दौड़ते दौड़ते आ रहा है, पक गया हूँ, ठीक है ना। 15W का मिलेगा बस इतना आप लोग जान लो। और यहाँ पे आप लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने वाले हैं, नॉक्स मिलने वाले हैं और 3.5mm की। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो यहाँ पे कितनी आने वाली है प्राइसिंग, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है जो A52S आया था ना उसकी प्राइसिंग जो थी बेस वेरिएंट की वो यहाँ पे थी 36,000 और यहाँ पे जो अपर वाला वेरिएंट था उसकी प्राइसिंग गई थी यहाँ पे 37,500 के करीब में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना जो इसका अभी जो आने वाला है A53 जो आने वाला है ना उसकी प्राइसिंग यहाँ पे आपको 30,000 से 35,000 के बीच में सिमट जाएगा, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से एक्जिनोस का प्रोसेसर काफ़ी सारे लोगों को नहीं भी पसंद आ सकते हैं, बाकी आने के बाद ही हमें पता चला कि इस टाइप का वो परफॉर्म करता है,
तो वेट कर लेते थोड़ी सी। तो यहाँ पे कितना वेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को फेब में तो नहीं, मार्च में 80% चांस है, इवन 90% चांस भी बोल सकते हो आप लोग कि लॉन्च हो जाएंगे। तो अगर आप लोग A52S का वेट कर रहे थे सेल का, भाई सेल मिलूंगा, तो अभी सेल में 9000 का ऑफ मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, वो ट्रिक है जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके जरूर से देख ले। ये वाला फोन का भी मैंने डाला हुआ है रिव्यू, कि अगर आप लोग एंड्रॉइड फोन से आईफोन पे शिफ्ट करते हो तो क्या क्या 5 बड़े प्रॉब्लम्स आने वाले हैं बताया हुआ है, क्लिक करके जरूर से देखो। इस वाले गोले बदक सब्सक्राइब कर लो, जरूरी है यार। चलो भाई हीटर बंद कर दे भाई, नहीं तो पापा बोलेंगे बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा।